अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक है। आज की कौन है वीडियो में मैं हाजिर हूँ आप लोग को मोहम्मद ब्लॉग्स में खुश आमदीद। तो आज की कौन है वीडियो में तो मैं आप लोग को ये अपडेट देने के लिए जा रहा हूँ कि मेरा क्या प्लान है इस दफ़ा बकरीद में, मैं कब जानवर ला रहा हूँ, अभी क्या था, मैंने कहाँ जगह बनाएंगे, क्या सेटअप बना रहा हूँ, मेरा क्या ओपिनियन है, क्या सोचा है मैंने। तो अभी तो मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ कि हमने कल, हमारे जो भाई थे उन्होंने जानवर सर्च करने के लिए मंडी वो चले गए। मैं आप लोग को बता नहीं रहा था लेकिन कंफर्म हो गया था, लेकिन आप उस जानवर की मैं आपको वीडियो एंड में दिखा दूँगा। वो उसके फाइनल उसे 6 बोले थे, हमने 6 से थोड़ा सा नीचे लगा दिए थे। मैं बोल नहीं रहा, माशाल्लाह से अच्छा बेहतरीन जानवर का, माशाल्लाह से अच्छे पैसे लगा दिए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, अब इंशाल्लाह देखते हैं कब आता है हमारा जानवर। तो आप लोग लाइक कमेंट करना ना भूलेगा। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या जगह बनाई थी, कहाँ जगह बनाई थी, क्या ओपिनियन था मेरा, कहाँ मान दूँगा। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले सफाइयाँ वगैरह कर रहा था, इंशाल्लाह एक दो हफ्ते में आ जाएगा हमारा जानवर। और हमारे भाई वगैरह को, हम सब में, हम घर में जितने भी बच्चे वगैरह हैं बड़े, सबको शौक है जानवर का। तो चलिए आपको जगह दिखाता हूँ कौन सी जगह थी, कैसी थी। तो गाय पिछले साल हमने इधर बांधा था लेकिन यहाँ पे कीचड़ पानी बहुत हो गया था, इधर पानी खड़ा हो जाता है, इसलिए अभी मैं नीचे आ चुका हूँ। थोड़ा बादल वादल भी आ गए, वरना धूप निकली हुई थी। तो सेटअप मैंने इधर बनाने का सोचा था। अभी मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई करी है, मतलब मिट्टी विट्टी कचरा वचरा जितना भी है मैंने साफ़ करा है। ये सब क्या चीज़ है, ये सारे लकड़ी वकड़ी यहाँ से उठा के ऊपर करी है। बस यहाँ पे थोड़े सा पत्थर वत्थर पड़े हैं, इनको थोड़ा उठा के ऊपर रख देता हूँ। बाकी यहाँ पे थोड़ी मिट्टी डलेगी, यहाँ पे छोटा मोटा जो गड्ढे वड्ढे बने हैं ना, मिट्टी डलेगी ये दीवारों के कोनों पे। बाकी तरपाल वगैरह लगेगा यहाँ से, पूरी एक दो बांस खड़े होंगे यहाँ से। थोड़ा सा ये दरख वगैरह ये काट देंगे, ये भी काट देंगे थोड़ा सा, और बाकी मिट्टी विट्टी डल जाएगी, ये खूंटा लग जाएगा। ये बांस है, ये हमने ऐसी टेम्परेरी रखा हुआ है, कुछ अगर इनके फूटे वूटे का कुछ हुआ नहीं तो यहाँ पे कुछ कर देंगे इंतजाम। और जानवर कब ला रहा हूँ, सवाल तो ये है कितने का ला रहा हूँ। नहीं बताऊँगा मैं, तो नहीं बताऊँगा कितने का ला रहा हूँ, ये बता देता हूँ कब ला रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला एक से डेढ़ हफ्ते में, इंशाल्लाह एक से डेढ़ हफ्ते में इंशाल्लाह। आप लोग दुआ करेंगे तो आ ही जाएगा। और बाकी ये सारी चीज़ें हैं इंतजाम। बाकी भाई भाई कल बहुत 3-4 मंडी ज़मीन में मैं सोसाइटी नोट है मेरे पास चले गए थे, ढूंढ कर आ गए थे, जिसका कंफर्म हो रहा था वो एंड में दिखा लेता। तो गाइस ये जानवर हम ले रहे थे, कंफर्म होने वाला था, लेकिन घर वालों में से 3-4 लोगों को अच्छा नहीं लगा तो फिर हमने कैंसिल करवा दिया, वरना इसका सौदा बन चुका था। और अच्छा है माशाल्लाह से, बेहतरीन जानवर था, बड़ा था, हाइट कटवत में अच्छा था, और बस कलर नहीं पसंद आया तो फिर हमने छोड़ दिया। बाकी अब देखते हैं क्या होता है।